गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ विल कंटिन्यू वर्कशीट नंबर फोर, चैप्टर फोर। आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर फाइव, फर्स्ट पार्ट। बेटी ये हमने सॉल्व करना है। तो यहां पर देखो हमारा बेस है, थ्री बाय फोर है, यहां भी है। तो देखो हम इसको थोड़ा सा इस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। थ्री बाय फोर टू द पावर प्लस वन, थ्री बाय फोर टू द पावर, ये दोनों पावर क्या हो जाती है बेटी, मल्टीप्लाई, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन हो जाए। अब बेटा ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने सेवंथ में पढ़े हैं, सॉरी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है, और अगर इक्वल टू हो तो पावर क्या हो जाती है बेटे, इक्वल, पावर भी इक्वल हो जाती है। ये वाला लॉ आपने याद रखना है। क्या बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर तो बीच में मल्टीप्लाई सेम हो तो पावर बेटा ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम हो, अगर यहां पर डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, लेकिन अगर इक्वल टू हो तो पावर इक्वल हो जाती है, पावर भी इक्वल हो जाती है, ठीक है ना। तो विच इंप्लाइज दैट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 बाय 9, बस ये हटा देना है। व्हेन बेसिस आर सेम देन देयर पावर विल बी इक्वल, बस यहां से आप x की वैल्यू निकालो। तो 2x इक्वल टू 1 को तो ले जाओ 9 माइनस 1, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू को तो ले जाओ 8 अपॉन 2, 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8, x इक्वल, तो यही वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, क्लियर। Now I am doing fourth part. Beta 1 upon 16 into 1 by 2 to the power 2 is equal to 1 by 2 to the power 3 into x minus 2. तो यहां कोशिश करेंगे बेस सेम बनाने की। यहां भी बेस सेम है, यहां भी बेस सेम है, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो क्यों ना 1 by 16 को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखें। 1 by 16 को 1 by 2 to the power 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 4, 1 की तो जितनी मर्जी पावर हो 1 ही रहेगा, है ना। और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो 1 अपॉन 16 को हम 1 अपॉन 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्लियर। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इंटू 1 बाय 2 टू पावर 2, 1 बाय 2 टू पावर 3 इंटू एक्स माइनस। अब यहां देखो बेस सेम है लेकिन बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 बाय 2 टू पावर 4 प्लस 2 कितना होगा बेटा, 6। जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई तो पावर ऐड, 4 प्लस 2 6, 1 बाय 2 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब फिर देखो, फिर से बेटा बेस सेम है लेकिन बीच में कौन सा साइन है, इक्वल टू का। जब बेस सेम हो बीच में इक्वल टू का साइन हो तो पावर इक्वल, इनको रिमूव कर दो, बस यहां से हटा दो, फिर हमें पावर से मतलब है। जब बेस सेम तो पावर इक्वल, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये 3 को इधर ले जाओ बेटा, 3 का मतलब है ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इधर ले जाएंगे तो कहां जाएगा, अपॉन में जाएगा। 3 को इधर ले जाओ, 6 अपॉन 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2। जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है और उसको इक्वल टू के दूसरे तरफ ले जाते हैं तो वो अपॉन में चले, मल्टीप्लाई वाला अपॉन में जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता है। 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2, माइनस 2 को इधर लाओ, इधर आगे क्या होगा प्लस, x इक्वल टू 4। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। तो इस तरीके बेटा आप इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी है, ठीक है। नाउ बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैंने आपको कल ही बताया था कि अब ये वाले क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो ये वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, पर चलो मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। देखो 16 टू द पावर 15 डिवाइडेड 16 टू द पावर 19 इज इक्वल टू 1 बाय 16 टू द पावर डैश। अब आप देखो बेटा 16 टू द पावर 15, अब जब बेस है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी माइनस। 16 टू द पावर 15 माइनस 19, 16 टू द पावर 15 माइनस 19 क्या होगा माइनस 4, और 16 टू द पावर माइनस 4 को क्या लिखते हैं 16 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, 4। इस तरह बेटे यहां देखो 11 बाय 12 टू डिवाइड 11 बाय 12 टू द पावर 22, ठीक है। और यहां फिलिंग द ब्लैंक्स है, और यहां हमारे को 11 बाय 12 की पावर 2 है, तो यहां 2 कैसे होगा, अगर हम यहां पर क्या करते हैं 20 करते, क्या करते हैं 20,
बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी माइनस 20 माइनस 22 कितना हो जाएगा माइनस 2, 11 बाय 12 की पावर क्या हो जाएगी माइनस 2। और इन्होंने क्या इसको डिनोमिनेटर में लेके डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा साइन, इसका मतलब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा 20। ठीक है ऐसे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 1/3 की पावर 6 है, 1/3 की पावर 2 है, तो यहां पर क्या करेंगे, तो आप यहां पर क्या करेंगे 3 करेंगे, 3 × 2 = 6, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि 1 की पावर 3 तो 1 ही रहता है, लेकिन हमने यहां 3 की पावर 6 बना रहा है तो 3 की पावर 6 क्या होगा 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आएगा 3। ऐसे यहां पर देखो बेटा आप, यहां पर -1/2 × 4 × 2, 4 × 2 = कितना होगा बेटा 8, तो यहां भी हमें क्या चाहिए 8, तो यहां पर क्या कर दोगे आप 8। क्लियर, अब यहां देखो बेटा 1/12 × 5 / 1/12 × 5, बेस सेम और डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस 5, माइनस 5 क्या होगा बेटा 0, तो यहां फिलिंग के ब्लैंक में क्या आ जाएगा 0। अब यहां देखो -1/7 × 0 = 7, 7 × 0 = 0, तो यहां भी क्या आना चाहिए बेटा फिर 0, तो ये सेटिस्फाइज कर जाएगा। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाइड एक्सप्रेस द रिजल्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको सिंप्लीफाई करना है और हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख दिया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मैंने आपको कहा था कि खुद कर रहा है पर चलो मैं कर देता हूं। 9/2 × 5 × 0, ये दोनों पावर क्या हो जाती है बेटा मल्टीप्लाई, 9 × 9/2 × 0, ये आंसर है। वैसे इसको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, आंसर 1 लिख सकते हैं, पर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हमारा आंसर यहीं तक रहेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब हमें पावर भी चाहिए। ठीक है, नहीं तो इसका आंसर क्या होना था 1। अब यहां पर देखो ये भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए, -5/16 × 6 = 18, बस ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, यहां देखो बेस सेम है -2/5, यहां भी -2/5, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा -2/5 × 3+2 = 5 / 4। अभी और सॉल्व हो सकता है, -2/5 × 5 × 4 = 20, -2/5 × 20, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो बाकी बचे पार्ट्स भी आप इस तरीके से कर सकते हो, इजी है बिल्कुल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, इसमें हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखो 0.6 × 8 / 0.6 × 7, ये डिवाइड है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस 8, माइनस 7 क्या है 1, लेकिन यहां तो क्या है 2, तो ये क्या होगी फॉल्स होगी, दिस इज फॉल्स। अब यहां पर देखो यहां पर बेस सेम है डिवाइड है पावर क्या होगी माइनस 6 माइनस 3 3, ये ट्रू होगी, यहां 3 दिया हुआ तो ये क्या होगी आपकी ट्रू होगी। अब रेसिप्रोकल ऑफ 7/5 × 5/7, यस 7/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 5/7, तो इसका रेसिप्रोकल है 2/12। या बेटे इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम 7/5 × -12 भी कर सकते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी क्या होगा बेटा ट्रू। ये देखो ये बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, पावर कभी ऐसे ओपन नहीं होती कि आप 5 × 5 + 5 × 5 कर दो, नो, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, प्लस में ऐसा नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, प्लस में आप ब्रैकेट ऐसे नहीं कि 5 × 5 + 5 × 5, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तो अगर आप सॉल्व करेंगे 10 × 5, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 5 × 5 अलग सॉल्व करना पड़ेगा, 5 × 5 अलग, और फिर प्लस करोगे तो कभी भी इक्वल नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है। ये देखो बेटा यहां बेस सेम है डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस 4 − 3 = 1। अब ये देखो यहां पर इसको मैं थोड़ा करके बता देता हूं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/4 की पावर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, यहां भी 1/4 की पावर क्या है 1 है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/4 × 4 − 3 = 1, फिर एक 1/4 और भी है, अब डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो माइनस होगी तो 1 − 1 क्या होगा बेटा 0, तो 1/4 की पावर 0 है, जबकि यहां तो क्या है 1/4 है, क्योंकि 1/4 की पावर 0 तो क्या होता है 1 होता है, ये भी क्या है बेटा आपका फॉल्स। अब देखो ये देखो 1/7 की पावर 2, ठीक है,
यहाँ भी बेस में डिनोमिनेटर में पावर क्या हो जाएगी इनकी बेटा, ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय 7 की पावर 3, ठीक है ठीक है। तो जब सेम नंबर से डिवाइड होता है तो क्या होता है, हमेशा 1, या 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो ऐसे 1 बाय 7 की पावर 3 को डिवाइड करेंगे 1 बाय 7 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो ये क्या होगी आपकी ट्रू होगी, ये आपका ट्रू होगा, ठीक है। इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, रेसिप्रोकल को लेके पावर वाले रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी ये ट्रू आएगा, क्लियर। तो अब ये आपकी वर्कशीट फिनिश होगी, तो यही आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वर्कशीट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।